क्या दोस्तों आप लोग चाहते हो कि आप लोग का जो स्क्रीन है वो 360 डिग्री तक घूमे? क्या दोस्तों आप लोग चाहते हो कि आप लोग के सामने बंदा है, मतलब पीछे बंदा है, और आप लोग सिर्फ एक बार स्क्रीन घुमाए और उस बंदे को तुरंत देख ले? गाइस तो गाइस आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर आज बात करेंगे, आप लोगों को हेडशॉट कैसे मारते हैं वो सिखाएंगे, हर एक गोली हेड पे लगेगा इसके बारे में हेडशॉट हैकर जैसे होता है वैसे सिखाएंगे, आप लोग का पैर में खाली गाइस एक रॉकेट लग जाएगा जिससे आप लोग का मोमेंटम स्पीड इतना फास्ट हो जाएगी कि आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर चाहते हो तो पूरा वीडियो को एंड तक देखते जाना। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो तो एकदम शुरू हुआ जैसे यार कोई ऐड चल रहा है, यार ऐड की तरह एकदम शुरू हो गया, आपके टूथपेस्ट में क्या नमक है ऐसा टाइप का गाइस शुरू हुआ था स्टार्टिंग में। तो जो भी हो गाइस आज यार हम लोग बात करेंगे कि कैसे गाइस आप लोगों का जो मोमेंटम स्पीड है वो कैसे इंक्रीज होगा, आप लोग का हर गोली जो हेड पर लगता है मतलब हेड शॉट जो होता है, हेड शॉट का जो रेट होता है आप लोग का वो कैसे बढ़ेगा, आप लोग का हर गोली ऑलमोस्ट हेड शॉट कैसे लगेगा गाइस। तो अगर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो लोग के पास यार अच्छा डिवाइस है वो लोग का ही यार ये चेंजेस कर सकते हैं, जो लोग 4 GB का मोबाइल है वो लोग ही यार इसको 360 डिग्री वाला वो लोग ही चेंज कर सकता है इसको, नहीं तो यार कोई और अच्छा डिवाइस मतलब जो 3 GB 2 GB वाला जिसमें लैग करते हैं, जो लोग स्टैंडर्ड स्मूथ में खेलते हैं वो लोग यार उतना अच्छी तरह इसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा 360 डिग्री वाला, क्योंकि 360 डिग्री वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यार वो अच्छा है, क्योंकि यार वो एकदम ऐसे घूम जाता है ना गाइस जैसे कि लगता है पीसी प्लेयर है यार, मतलब इतना फास्ट घूमता है और इतना अच्छा घूमता है कि बाहर पीछे बैक में जो है वो लोग को भी दिख जाता है गाइस। तो उसके लिए है बहुत सारा ट्रिक्स जिसके आप लोग का मोमेंटम स्पीड फास्ट हो जाएगा, थोड़ा आप लोग का कुछ हेड भी लगना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कुछ सेटिंग्स मैं बताऊंगा, कुछ DPI भी सेटिंग्स है उसके अंदर तो उसको मैं बताऊंगा। और गाइस तो लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट तो कर ही दिया यार, अब तो यार मेन टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग को दिख रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर आना है आप लोग के फोन में, फोन पे आने के बाद सेटिंग का ऑप्शन होता है, हर किसी का फोन पे रहता है, अब ये बात बताना है कि सेटिंग में आप लोग का है नहीं गाइस, सेटिंग का ऑप्शन रहता है गाइस फोन का, सेटिंग का ऑप्शन खोलना, सेटिंग का ऑप्शन जाने के बाद गाइस एकदम नीचे जाना, नीचे ऊपर कहीं पे भी आप लोग का रहेगा गाइस तो एक ऑप्शन है वहाँ पे यार अबाउट फोन और सॉफ्टवेयर अपडेट जो भी है, लेकिन अबाउट फोन में आप लोग को जाना है, और अबाउट फोन में जाने के बाद वहाँ पे वर्सन नाम का आएगा गाइस जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ गाइस, वर्सन पे क्लिक करना, वहाँ पे यार 7 से 8 बार वर्सन पे क्लिक करना गाइस, और वर्सन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को 7 से 8 बार के अंदर आप लोग का जो डेवलपर ऑप्शन है गेम फोन का वो खुल जाएगा गाइस जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आप लोग का हेडशॉट रेट और मोमेंटम स्पीड बढ़ेगा गाइस, तो ये ज़रूर करना आप लोग। वहाँ पे अगर डेवलपर ऑप्शन को 7 बार टिपना तो क्या सॉरी वर्जन को 7 बार टिपना तो डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग को जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोग का डेवलपर ऑप्शन देखिएगा वहीं पे होगा, एडिशनल सेटिंग्स में ही डेवलपर ऑप्शन रहता है, वहां पे जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन को खोलना है। डेवलपर ऑप्शन खोलने के बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वहाँ से एकदम नीचे जो कि मैं दिखा रहा हूँ गाइस जहाँ पे एनिमेशन और विंडो ऐसा टाइप का रहता है गाइस, वहाँ पर ही मिनिमम विथ नाम का एक रहेगा जहाँ पे यार आप लोग को मेन काम वहीं पे करना है, किसी का स्मॉल विथ, किसी का स्मॉलर विथ भी रहता है, किसी का मिनिमम विथ भी रहता है। तो गाइस मिनिमम विथ ही है, घबराने का बात नहीं है, घबरा जाओ तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस देखो वहाँ पे मिनिमम विथ है, तो मिनिमम विथ को जाके आप लोग को सिलेक्ट करना है। वहाँ पे नॉर्मली गाइस जैसे कि मेरा वहाँ पे पहले से था 360, मेरा भी है 390 गाइस, तो वहाँ पे नॉर्मली आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पे नॉर्मली आप लोग को गाइस कुछ दिया रहेगा अमाउंट 360-400। जो लोग के पास वन प्लस आईफोन है उन लोग यार ट्राई मत करेंगे, उन लोग का फ़ोन में ऑलरेडी अच्छा है आसूस रॉक टू, जिन लोग के पास वो लोग कृपया करके सब ट्राई मत करना, क्योंकि गाइस वो लोग का में ऑलरेडी अच्छा है तो वो लोग ट्राई करके बेकार में फालतू का फालतूगिरी अपना मत दिखाए तो अच्छा ही है, बेहतरीन है। तो गाइस अभी यार बात करते हैं, जो लोग मेरा तो 360 था गाइस, तो आप लोग एक मेन चीज़ याद रखो, आप लोग सिर्फ 50 बढ़ा सकते हो गाइस, एक चीज़ बहुत मेन चीज़ है कोई नहीं बताता गाइस, बहुत कम बंदे हो सकते हैं जो लोग इसके बारे में DPI सेटिंग के बारे में बताए होंगे, सिर्फ 50 गाइस सिर्फ 50 बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर बढ़ाए तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, वैसे भी मैं रिस्क लेने नहीं वाला हूँ, आपका फ़ोन है तो जो भी है गाइस, अगर 50 के ऊपर बढ़ाए तो आपका फ़ोन डैमेज होने का भी चांसेस रखता है, आपका फ़ोन अंदर अंदर ही टूट जाएगा, मतलब अंदर अंदर ही इसका डैमेजिंग स्टार्ट हो जाएगा और अंदर अंदर ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो इसको आप लोग 50 के ऊपर मत बढ़ाना गाइस, क्योंकि इससे फ़ोन आपका ख़राब होने का चांस रखता है। तो सिर्फ 50 गाइस, मान लो मेरा 360 है तो मैं सिर्फ 410 तक ही बढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ गाइस इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है
वो होने वाला है कि आप लोग 360 के बाद जो मैंने 390 बना लिया गाइस, तो इससे क्या होता है मेरा जो हेडशॉट रेट है वो कल से लेके एक दिन मेरा 3 या 4 दिन के अंदर गाइस मेरा 1.50 का हेडशॉट रेट बढ़ा है। मतलब मेरा 25 का हेडशॉट रेट था, मेरा एक दिन के अंदर 26 का हो गया। जो भी है गाइस मेरा हेडशॉट लगना बहुत ज़्यादा हो गया। एक और चीज़ मेरा, आप लोग बहुत सोचोगे कि ये करने से आप लोग का बहुत ज़्यादा हेडशॉट रेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है गाइस। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा मूल योगदान है इसके अंदर। जो लोग यार पहले से अच्छी तरह खेलना चाहते हैं, जैसे कि मेरा मान लो गाइस, मेरा पहले 25 का था, अभी 26 का हुआ है, मतलब 2 दिन के अंदर। हाँ हेडशॉट तो बढ़ रहा है गाइस, मैं मानता हूँ हेडशॉट रेट बढ़ रहा है, लेकिन यार मेरा पहले भी 25 का हेडशॉट रेट था, पहले भी मैं हेड मारता था। अब हाँ उसी के वजह से मेरा अभी हेड लगना थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और मैं उसकी वजह से हेडशॉट मेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है गाइस। यही मेन टॉपिक था इसके ऊपर कि कैसे आप लोग का हेडशॉट बढ़ेगा। और मेरा पर्सनल ओपिनियन मान लो गाइस, ये बहुत ज़्यादा काम किया, मैं खुद देखा हूँ गाइस। जितना मैं टारने का कोशिश करता ड्रैग सेंसिटिविटी जो होता है गाइस, इससे बहुत स्मूथ हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हुआ है इससे सेंसिटिविटी। जैसे कि आप लोग मान लो 100 पे लेकर भी सेंसिटिविटी खेलते हो तो क्या होता है गाइस, जितना आप लोग का टारने में मतलब ड्रैग करने में जितना आप लोग का सुविधा नहीं होता है, उससे ज़्यादा सिर्फ ये काम करने से मेरा हुआ है गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इसी के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर जो लोग यार बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह में खेलना जाना चाहते हो और ये DPS सेटिंग यूज़ करते हो गाइस, तो उन लोग के लिए होगा वो वाला वीडियो, ज़रूर देखना, वो 2-3 दिन बाद आ जाएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जो लोग यार इतने बड़े बड़े 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन वाले सब्सक्राइबर सॉरी यूट्यूबर लोग जो ये DPS सेटिंग यूज़ करते हैं, सोचते हैं कि जो लोग बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह में खेलेंगे गाइस, हो सकते हैं उन लोगों को पहले से मालूम हो। जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा उन लोग के साथ उस दिन, मतलब मैं बात करूंगा उन लोग के साथ नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा उस दिन, तो उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर उस दिन बात करूंगा। DPS सेटिंग क्या, डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या करने से आप लोग का DPS सेटिंग क्या क्या होता है गाइस, और फोन आप लोग का क्या होगा इसके ऊपर है पूरा वीडियो को, आप लोग का अकाउंट सस्पेंड होगा या फिर बैंड होगा, ऐसा कुछ होगा कि नहीं, तो उस वीडियो पर मैं ज़रूर बात करूंगा। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, और इससे ज़रूर कमेंट करना आप लोगों का बढ़ा है कि नहीं, मेरा खुद बढ़ा है गाइस। 2 दिन एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ यार, मेरा दिमाग हिल गया था, 2 दिन सिर्फ 2 दिन का एक्सपीरियंस मैंने यार सोचा कि अरे भाई साहब सच में ये बहुत काम करता है, DPS सेटिंग बहुत मस्त है गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो बहुत ज़्यादा मस्त है। हाँ जो लोग के पास आईफोन आसूस जो लोग के पास है गाइस, उन लोग के फ़ोन में ये ऑलरेडी सेटअप है और उन लोग का फ़ोन बहुत फास्ट चलता है गाइस, तो उन लोग का फ़ोन में इसे चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोग का फ़ोन में ये ऑलरेडी अंदर से सेट है और उन लोग का सेंसिटिविटी बहुत हाई रहता है गाइस। तो यही बात था बस गाइस, इतना ही बताना था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस ज़रूर कमेंट करके बताना, आप लोग पहले ट्राई करना फिर उसको बताना, और अगर अच्छा लगा है तो गाइस शेयर कर देना, क्योंकि गाइस ऐसा टाइप का वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। और बहुत बेहतरीन वीडियो था गाइस आज का, तो बहुत डेंजरस तरीके से एक लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर लेना गाइस, 1300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, तो गाइस मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट गाइस।